माय स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीत तिवारी, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक फेस सीरम, DIY फेस सीरम, जो कि आपकी स्किन की ऑल प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देगा। पिंपल्स हो, रिंकल्स हो, झाइयाँ हो, डार्क सर्कल्स हो, डार्क स्पॉट्स हो, सारी स्किन टोन को भी 1 से 2 शेड तक लाइट कर देगा। तो किस तरीके से बनाना है, आपके घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप उसको आराम से बना सकते हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे बनाना है। मैं अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी और इसको आप 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। और आपको क्या क्या इसमें यूज हुआ है सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी हेयर कट की वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो प्लीज़ हेयर कट की वीडियोज़ चेक कर लीजिएगा। तो और ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले लेना है एलोवेरा जेल, जो कि मैंने यहाँ पे ओरिजिनल एलोवेरा जेल लिया है। आप मार्केट में भी जो बहुत सारी एलोवेरा जेल मिलती हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो उसका एलोवेरा जेल लेके आपको एलोवेरा जेल को इसका निकाल लेना है जूस। आप इसको इजली चम्मच या चाकू की मदद से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे मेरी आंटी इन लॉ इस तरीके से निकाल रही हैं। उसके बाद से आपको इसको एलोवेरा जेल आप पूरा निकाल लीजिए। उसके बाद से क्या करना है, आपको आलू लेना है, आलू को छील के रख लेना है। यहाँ पे साइड में आपको आलू भी दिख रहा होगा, पोटैटो, एलोवेरा जेल एंड पोटैटो, ये मैंने यहाँ इसका जूस पूरा निकल चुका है। ओके, तो एक आलू लेना है, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लीजिए। आलू का जूस निकालना है जैसे भी आपको ईजी लगे, आप उस तरीके से निकाल सकते हो। आलू डालने की वजह से आप इसको चाहो तो मतलब रोज़ बना के भी यूज कर सकते हो, चाहो तो 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हो। अगर आपको स्टोर करके रखना हो तो आप मार्केट में बना हुआ एलोवेरा जेल लीजिएगा। तो इस तरीके से इसका 7-8 चम्मच जूस निकाल लेना है, आलू का एलोवेरा जेल एंड आलू का जूस। उसके बाद से आपको 2 चीज़ और यूज करनी है इसमें। आप वीडियो देखते जाइए, आपको सब स्टेप बाय स्टेप अच्छे से दिख जाएगा। और ट्राई जरूर कीजिएगा गाइस, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स, झाइयाँ सब कुछ रिमूव हो जाएगा ये रेगुलर यूज करेंगे आप। तो हफ्ते में आपको इसको 3 से 4 बार यूज करना है, और आप चाहो तो डेली भी यूज कर सकते हो इसको। 10 से 15 मिनट तक फेस पे रखना है और वॉश कर लेना है। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने एंड में बताया हुआ है, वीडियो के एंड में, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। तो इस तरीके से मैंने इसका जूस निकाल लिया है। ओके, और इसको एक बाउल में 7-8 चम्मच आलू का जूस ले लीजिए। बना के रखना है तो अगर आपको तुरंत तुरंत लगाना है तो 1 चम्मच काफ़ी है, 1 टीस्पून काफ़ी है। अगर अप्लाई करने के तुरंत ही अप्लाई करना है तो ये 7-8 चम्मच मैंने यहाँ पे आलू का जूस ले लिया। उसमें 1 विटामिन ई की कैप्सूल्स, आपको आराम से मेडिकल स्टोर पे 25 से 26 रुपये में मिल जाएगी विटामिन ई की कैप्सूल। 1 विटामिन ई की कैप्सूल लेके उसमें हॉल करके इस तरीके से, और एलोवेरा जेल को छलनी में इस तरीके से छान लीजिए, क्योंकि स्प्रे बोतल में भर के रखना है तो स्प्रे में इसके दाने फंस ना जाए। इसके लिए पूरा पतला सा पेस्ट बना लेना है, पतला सा एकदम पानी की तरह निकलने लग जाए। तो इस तरीके से मैंने छलनी की हेल्प से इसको निकाल लिया है। देन इसके बाद इसमें 2 चीज़ें और यूज करनी है, थोड़ा सा 2 चम्मच गुलाब जल लेना है और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो बादाम का भी तेल ले सकते हो, बादाम का तेल भी बहुत फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे मैंने बादाम का तेल, जैतून का तेल लिया है, ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून। ओके, और फिर नेक्स्ट और लास्ट सामग्री है ग्लिसरीन, जो कि मैं अपने काफ़ी वीडियोस में बताई हूँ ग्लिसरीन आपके बालों और फेस के लिए कितना अच्छा है। 4 से 5 बूंद, आप चाहो तो 1 चम्मच भी यूज कर सकते हो, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ग्लिसरीन मतलब पिंपल्स को रोकने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिसका ऑयली स्किन है उसको 1 चम्मच तक यूज कर सकते हो, ड्राई स्किन वाले 4 से 5 चम्मच तक। और इसको अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ है, आलू का जूस, एलोवेरा का जूस, ग्लिसरीन, ऑलिव ऑयल एंड विटामिन ई की कैप्सूल्स एंड गुलाब जल। ओके, गुलाब जल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, एलोवेरा जेल, आलू का जूस,
और ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें मिक्स करके और एक बोतल में भर के रख लीजिए। जब भी आपको फेस पे अप्लाई करना हो इसको अच्छे से सेक कीजिए और अप्लाई कीजिए 15 मिनट तक रखिए। उसके बाद से अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस, ऑल स्किन प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है फेस सीरम। DIY फेस सीरम आप घर पे रेडी कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई करना, इस तरीके से सेक कर लेना है, अच्छे से हिला लेना है, इसको मिक्स कर लेना है। और तो जब भी आप इस तरीके से अप्लाई करना है फेस पे, देन स्प्रे बॉटल में रखना है इस तरीके से। अच्छे से ऐसे अप्लाई करना है और डन मसाज करना है। ओके तो पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करके 5 मिनट तक मसाज करना है और नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, मैं इसको 5 से 10 मिनट रखूँगी, उसके बाद से मैं वॉश कर लूँगी। तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और कैसा रिजल्ट आया जरूर बताएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं लेकर आते रहती हूँ, और कुछ भी ना समझ में आए पार्लर कोर्स के वैसे रिलेटिव तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज। कल मैंने एक बहुत जिद्दी डार्क स्पॉट्स को कैसे छिपाएं, हाइड करें मेकअप के जरिए, वो वीडियो डाला था, तो प्लीज़ वो भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिएगा और ऐसे ही ये हेयर सेम जरूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।